भारत की राजधानी दिल्ली की राज्य और केंद्र सरकार वैसे तो बड़े बड़े दावे करती हैं और कहती हैं कि उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतरीन है, एडवर्टाइजमेंट करती है और कहती है कि उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही बेहतर है, पूरे प्रदेश भर में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है। पर उनकी पोल खोलने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है कि दिल्ली के सफदरजंग इलाके में, सफदरजंग शासकीय अस्पताल में, एक प्रेग्नेंट महिला को बिस्तर तक नहीं दिया गया, उसे मना कर दिया गया वहां बिस्तर देने से, जिसकी वजह से वो महिला मजबूर हो गई शासकीय अस्पताल के बाहर अपने शिशु को जन्म देने के लिए। उस महिला के परिजन और अन्य महिलाएं उन्हें साड़ी से घेर कर वहां खड़ी थी, जहां पर किसी भी तरीके के उपचार के लिए कोई भी तरीके की मदद अस्पताल के द्वारा नहीं की गई, ना वहां डॉक्टर थे ना कोई और। जैसे पुराने जमाने में रीति रिवाज के, जैसे जहां डॉक्टर की हेल्प नहीं होती थी, उस समय जिस तरीके से एक शिशु को जन्म दिया जाता था, एक महिलाओं को दिया जाता था, उस तरीके का इस यहाँ पे देखने को मिला है, जहाँ एक महिला एक शिशु को अस्पताल के बाहर जन्म देती नजर आई बिना किसी सहायता के, बिना किसी उपकरणों के। और ये क्या है पूरा वीडियो, आइए देखते हैं। बिल्कुल नहीं सुन रहे, बिल्कुल भी कौन कर सकता है। पूरी रात हो गई है, पूरी रात पड़े हैं ये लोग यहाँ पे सड़क पे पड़े हुए, पूरी रात से पूरी रात घुसने दे रहे हैं, बिल्कुल भी लेके गए तो डॉक्टर कहते हैं ना दर्द नहीं है, डॉक्टर कहते हैं दर्द नहीं है, दर्द नहीं है। हम इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि किस प्रकार वो महिला मजबूर हो गई अस्पताल के बाहर अपने शिशु को जन्म देने के लिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद दिल्ली के महिला आयोग ने उस अस्पताल के खिलाफ नोटिस तो जारी कर दिया है, पर अब आगे हमको ये देखना होगा कि जो सरकारें बेहद बड़े बड़े बयानबाजी और एडवर्टाइजमेंट करती हैं अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, उन पर क्या असर पड़ता है। उनकी पोल अब खुल चुकी है इस वीडियो के द्वारा, अब आगे हम ये देखेंगे कि सच में सरकार सख्ते में आकर कोई कड़ी कदम उठाती है इस पर, या ये घटनाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ।